गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हम रवाना हो चुके हैं और जस्ट अभी कैब में हैं एंड एयरपोर्ट पे हम पहुंच जाएंगे साढ़े पाँच तक। तो 5:30 तक हम पहुंच जाएंगे और फ्लाइट के लिए भी अभी काफी टाइम है और आर्यन जस्ट स्कूल से आया है। काफी टाइम नहीं है क्योंकि 7:20 को फ्लाइट है, तो डोमेस्टिक फ्लाइट पहले 1 घंटा पहले था, अभी 2 घंटा पहले जाना होता है। वो तो पता है सबको। तो बाय द वे अभी क्या करना कि आर्यन को कुछ खिलाना है क्योंकि आर्यन स्कूल से आने के बाद तुरंत बाद ही उसे जस्ट यूनिफॉर्म चेंज किया है और कपड़े पहन के जो पहन के वो जा रहे हैं वो पहन के अभी जस्ट हम रवाना हो चुके हैं। एंड आज पूरा दिन जो भी होता है ना आगे पीछे हम कुछ नहीं करते, हम उसे पहले दिन उस दिन इतना ज्यादा बिजी रहते हैं। इसलिए मिथुन ने अपने जींस लिया है, देखिए मिथुन भी नए कपड़े खरीदते हैं। तो ये जींस कल रात को लिया था, मॉल में गए पर उसे कट करना मतलब ऑल्टर करना भूल भी गए और उस टाइम में मतलब शेष बाजार है, आपने जो बोली ना शेष बाजार भूलने से भी ज्यादा है। 9:30 को अल्टरनेशन क्लोज हो जाता है और हम लोगों का बिलिंग कंप्लीट हुआ 10 o'clock, तो इसलिए हो गया ऐसा। तो आज सुबह हम गए, जाने के बाद इसे अल्टर किया और फिर पहन के आए वही आरएमसी में। तो रेडी होने में काफी देर भी हो चुका है हमारा और सब बात का एक बात कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, अभी भी हूँ, पर ऑस्कर को डक की जब से आई हूँ तब से सारे डॉगीज के साथ ऑस्कर किस तरह से रह रहे हैं, थोड़ा सा वो जो शेन बर्नट की बात की थी ना, तो वो ऑस्कर को काटने जा रहा था वहाँ पे जाके देखते, तो उस बात का थोड़ा बहुत डर लग रहा है। बस सही और फ्लाइट में था बहुत बहुत ज्यादा ठंड, तो कुछ देर बाद ही मुझे श्रग लेना पड़ा, अरे नहीं अपने स्वेटर उतर दिया क्योंकि यहाँ पे है थोड़ा बहुत गर्मी, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहे, लगता है बाहर जाने के बाद देना पड़ेगा, पर मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगी। पूरा कंप्लीट वेदर, सॉरी कंप्लीट अलग सा वेदर, बारिश हो रहा है, देखते हैं कितना ठंड है। अगर आप कलकत्ता आए एयरपोर्ट के बाहर जब जाओगे तब फर्स्ट स्मेल आएगा बिरयानी का। फर्स्ट स्मेल आएगा बिरयानी का। ओके देखते हैं कि इतने दिनों से तो आ जा रही हूँ पर एयरपोर्ट से निकलते ही बिरयानी का खुशबू कभी नहीं मिला, पर आर्यन को मुझे तो ये मिला। क्या मिला? बिरयानी का खुशबू, मिट्टी का। अच्छा मैंने सोचा कि नोलेन गुड़े खुशबू मिला तुमको। आज तो कुछ ज्यादा ही मिलेगा मिट्टी का खुशबू क्योंकि आज बाहर हो रहा है बारिश और मिट्टी का खुशबू बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोगों का बंगाली में बोलते हैं शुदा गंध बारिश के मौसम में होता है। तो आज बहुत ज्यादा भीड़ था बैंगलोर एयरपोर्ट पे, बहुत ज्यादा क्योंकि बैक टू बैक मतलब पूरा वीक छुट्टी था ना, सॉरी छुट्टी होने वाला है, तो इस बात का फायदा तो हर कोई उठाने वाले है, इसलिए बहुत ज्यादा वीकेंड है, सिर्फ 13-14 छुट्टी ले लेंगे।
बोला था बिरयानी का स्मेल आएगा जब कलकत्ता एयरपोर्ट के बाहर आओगे। अच्छा, तो क्योंकि तुम्हें याद था कि उसके बाहर ही बिरयानी का शॉप है, नाम है बिरयानी भैया ना, बिरयानी भैया, बिरयानी भाई, मैं बोला था ना बिरयानी भाई का अपोजिट। गाइस अभी हम कैब में बैठ गए हैं, हमें ओला मिल गया है और उबर सॉरी तो उबर मिल गया है और बैकपुर में जाने आने जाने के लिए हम हमेशा उबर ही यूज करते हैं और बैंगलोर में तो ज्यादा ओला। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो चलिए घर जाकर फिर आपसे मिलते हैं। और अभी रियली नींद बहुत ज़्यादा आई है और भूख तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, पर मम्मी जी ने खाना बना के रखा है तो थोड़ा सा तो खाऊंगी। और मिथुन को बहुत भूख लगी है, मिथुन को मुझे नहीं, बहुत नहीं बहुत नहीं लगा है, लेकिन इतने दिन के बाद जा रहा हूँ, मौसी और मम्मी दोनों मिलकर खाना बनाए और यहाँ पे दिल का भूख है एक्चुअली पेट का नहीं। और यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलते ही एक बिरयानी का शॉप था, मिथुन बोल रहा है चलो बिरयानी लेके चलते, नहीं भूख है इतना कि बिरयानी लेके चलते, वहाँ पे जाने के बाद किसी और दिन में तो खा सकते, नहीं मैं तो खाऊंगा। अरे तुम्हें जो खाना है अगर तो घर में खाना बना है ऑलरेडी तो वहाँ से खाओ। तो बोले हाँ ये बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पे खाना बना के रखा है, वहाँ पे अगर एक रोटी भी हो तो भी खाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं देख रहा था, परख रहा था कि अच्छा क्या बोलती है, क्या बोलती है, ये एकदम सही बात है, मुझे परखते ही है आज भी 10-12 साल बाद भी अभी कुछ परखते हैं। ये वाला परखना अलग परखना है, ये वैसा वाला परखना नहीं है, वो कभी नहीं परखा। पहुंच गए हैं और बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, तो इस वीडियो को और मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, अभी हम सब मिलकर लेंगे थोड़ा सा रेस्ट और ऑडियन यहाँ पे चड्डी में है, खुद को इस तरह से छुपा रहे हैं। और जब वो एक तुम आर्यन का इज्जत लेके ऐसे नहीं खेल सकते और आर्यन जब एक एक करके कपड़े उतार रहे थे तो बोल रहे थे मम्मा मोंगली क्या सैंडो पहनते थे, मैंने बोला नहीं सैंडो नहीं पहनते थे, अच्छा ठीक है तब तो ठीक है, तो मोंगली तो मैंने बोला कि मोंगली ये चड्डी भी नहीं पहनते थे मोगली जंगल तो ये मोगली भी चड्डी पहना हुआ है, हो सकता है कि ऑफ कैमरा मतलब कैमरा ऑफ करने के बाद ये अपना चड्डी भी ना पहने, ये रियल मोगली बन जाए, तो इससे पहले रखती हूँ मैं अपने ब्लॉग को। तो फिर अभी मैं पत्ता पहनता था, हाँ वही तो पत्ता पहनता था, पर पत्ता भी कहाँ पे मिलेगा, तो टेरेस पे जाना पड़ेगा, टेरेस में पत्ता मिल भी गया, लेमन का पत्ता और उसके साथ साथ थोड़ा सा काटे भी हो सकते, थोड़ा चूप सकते तो चलिए गाइस अब इस ब्लॉग को एपी एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस बार कोलकाता में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको मिलने वाला है, स्प्लैनेट शॉपिंग हॉल वाला वीडियो मैंने आज तक नहीं की, जब कोलकाता भी था तो मैंने ब्लॉगर था थी नहीं तो जो भी हो जितनी बार ब्लॉग मतलब स्टार्ट करने के बाद मैं कोलकाता आई हूँ तो कभी नहीं किया, तभी जब पूजा का टाइम चल रहा है मतलब सीजन आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ आपके लिए एक स्प्लैनेट शॉपिंग हॉल वाला वीडियो डालूँ, तो आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे। और मिथुन का बहुत शौक है कि मुझे लेके शादी से पहले कभी विक्टोरिया नहीं जा पाए, तो शायद इस बार हम जाए, अगर जाते तो आपके लिए वो भी ब्लॉग आएगा। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड सी ट्रेन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।